बिसमिल्लिम्स अल्लाम वेलकम बैक टू माई चैनल फूडी ही मुजना आफिशियल और मैं हूँ मुजना आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा बीफ लजानिया देखें इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया हुआ है ये ओवन के बगैर बना है कोई ओवन यूज़ नहीं हुआ इसमें और ओवन के बग़ैर देखें इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया हुआ है तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना स्किप नहीं करनी वीडियो तो चलेंजी शुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन लिया है मैंने उसमें पाँच से छः टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर वन टेबल स्पून भर के चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे और ये दो प्याज़ हैं इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है मीडियम साइज़ के प्याज थे वो इसके अंदर डाल देने हैं हमने इसको हम पकाएंगे इसको हमने गोल्डन कलर नहीं करना कुछ भी नहीं करना सिर्फ इसको हल्का सा फ्राई करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए थोड़ा सा दो से तीन मिनट के अंदर ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और अब इसमें बीफ़ का कीमा ऐड कर देंगे ये एक किलो कीमा है ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ये मोटा कीमा है एकदमा मशीन से निकला हुआ आप लोग चाहें तो आप हाथ का बना हुआ कीमा भी ले सकते हैं मोटा इसको डाल के आग तेज़ करनी है और जल्दी से इसका कलर चेंज हो जाएगा तीन से चार मिनट लगेंगे उतनी देर आपने इसको हिलाते रहना है ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है अब हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे ये पाँच से छः टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है उनकी प्योरी बना ली है आप लोग चाहें तो आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे वन टेबल स्पून नमक वन टेबल स्पून चिली फ्लेक्स हाफ़ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर हाफ टेबल स्पून टिक्का मसाला पाउडर और ये एंड पे मैं डालूँगी हाफ टी स्पून है ये रेड चिली पाउडर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो आप ये डालिएगा वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ये मैंने वन वन टेबल स्पून इसलिए डाला है क्योंकि मैं एक किलो की, की बना रही हूँ आप लोग आधा किलो का बनाएंगे तो आप उस हिसाब से स्पाइसिस को कम कर दीजिएगा ये अब पकना शुरू हो गया है अब इसको कवर कर देंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए ये तकरीबन बीस से पच्चीस मिनट लगेंगे इसको कवर करके हम छोड़ देंगे पकने के लिए उतनी देर में हम अपना पास्ता बॉयल करते हैं ये मैंने पानी रखा था उसमें वन टेबल स्पून नमक डाला है भर के और ये ऑयल के मैंने चार से पाँच चम्मच डालूंगी क्योंकि शीट्स बहुत जल्दी चिपकना शुरू हो जाती हैं तो अगर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो वो चिपकेंगी नहीं ये मैंने लजानिया शीट्स डाल दिए ये मैं पूरा पैकेट यूज़ कर रही हूँ याद रखना है आप लोगों ने एक तो बर्तन खुला लेना है पानी खुला डालना है और उसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा ये देखें जी इनको एक दफ़ा से हम पानी में डिप कर देंगे अब ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया है जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो आपने टाइम देख के इनको आठ मिनट के लिए बॉयल करना है अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा साथ चिपकेंगे और टूट जाएंगी ये देखें बॉयल हो गई हैं अभी मैं इनको छान के ऊपर से ठंडा पानी डालूंगी और हल्का सा ऑयल लगा के इनको मिक्स कर दूँगी ताकि ये आपस में चिपके ना ये थोड़ा सा मैंने पानी रख लिया पास्ता वाटर ताकि बाद में यूज़ कर सकूँ ये देखिए अब कीमा हमारा गल चुका है पच्चीस मिनट से तीस मिनट हो गए हैं ये देखें बिल्कुल गल चुका है सारा टमाटरों का पानी भी ड्राई हो चुका है ये एक शिमला मिर्च ली है मैंने बड़े साइज़ की छोटी हैं तो आप दो ले लीजिएगा और अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं ये हाफ टी स्पून है औरिगेनो और ये दस टेबल स्पून कैचअप के डाले हैं मैंने इसके अंदर आप चिली गार्लिक कैचअप भी यूज़ कर सकते हैं और प्लेन कैचअप भी यूज़ कर सकते हैं और ये आधा पैकेट क्रीम का डालेंगे इसके अंदर इससे बहुत अच्छा सा क्रीमी क्रीमी सा फ्लेवर आएगा ये सब चीज़ें डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हमारा कीमा भी बिल्कुल रेडी है तो क्रीम डालने के बाद वैसे ही किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं पकाते तो हम भी इसको दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा थिक लग रहा है हमने ज़्यादा थिक नहीं रखना थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो मैंने पास्ता वाटर रखा था वो ऐड कर दूँगी बिल्कुल थोड़ा सा करना है दो तीन घूंट डालने हैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना तो फिर हमारा सारा लजानिया ख़राब हो जाएगा ये देखे दो से तीन घूंट मैंने डाल दिया अभी इसको हम पकाएंगे दो से तीन मिनट के लिए ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे ये अब हम इसकी वाइट सॉस बनाएंगे ये मैंने दो टेबल स्पून भर के मक्खन के ले लिए हैं अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप ऑयल यूज करें और दो टेबलस्पून स्पून में ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि मक्खन जल्दी जलना शुरू हो जाता है और ये दो टेबलस्पून स्पून मैदे के डाल दिए हैं इसको अब हम भूनेंगे यहाँ पे बिल्कुल फ़्लेम लो रखनी है क्योंकि अगर मैदे का कलर चेंज हो जाए या ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो सॉस ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है वो अच्छी नहीं लगती यहाँ पे सिर्फ इसको हल्की आग पे मैंने एक से दो मिनट के लिए पकाया है और अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे ये मैं दो कप दूध का डालूँगी पहले मैंने एक कप दूध का डाला है अब ये इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएँ इस तरह से आम ने किसी भी चम्मच से या विस्कर से मिक्स कर देना है इसको अब बाकी को जो एक कप था दूध का वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे ये देखें फिर अच्छी तरह से मिक्स हो गया अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया तो इसमें हाफ टी स्पून नमक हाफ टी स्पून काली मिर्च हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून औरगेनो डाल देंगे इसके अंदर हम इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैंने इसमें क्रीम डाली है तीन से चार चम्मच है आप लोग स्किप करना चाहें तो आप क्रीम को स्किप कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप ये बहुत ही अच्छी सी ज़्यादा थिक नहीं करना इसको ये मैं आपको चेक करवाती हूँ कैसी होनी चाहिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्प्स वगैरह ना रहे ये देखें बिल्कुल क्रीमी सॉस बन गई है ये देखें इतनी ये गाढ़ी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं कर देना क्योंकि जब ये थोड़ी सी ठंडी होती है तो फिर ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे आपने जो भी डिश लेनी है उसकी बेस में आपने या तो वाइट सॉस डालनी है या फिर रेड सॉस डालनी है आपने डायरेक्ट शीट्स नहीं रखनी क्योंकि वो साथ चिपक जाती हैं फिर जब आप लोग बाहर निकालते हैं लजानिया ट्रे से तो फिर उसमें बहुत मुश्किल होती है ये देखें इस तरह से इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे वाइट सॉस की चीज़ और लजानिया शीट्स की और रेड सॉस जो कीमह हमने बनाया बीफ का इस तरह से तीन लेयर्स से ज़्यादा आपने लेयर्स नहीं लगानी अगर आप ज़्यादा लेयर्स लगाएंगे तो फिर वो हैंडल करना मुश्किल होगा वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा ये देखिए और लेयर्स भी ज़्यादा मोटी नहीं लगानी पतली लेयर्स लगानी है तो तब तक के लिए आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें ऑब्वियसली कीमत तो अभी तक सबके पास पड़ा होगा तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें आपको ज़रूर पसंद आएगी और स्पेशली ये बच्चों को बहुत पसंद आती है ये देखें जी मैंने सॉस दोबारा से डाल दी है ये हमारी लास्ट लेयर है इसमें सॉस डाल के अब हम इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देंगे ये जो, जो जितना मैं बना रही हूँ ये तकरीबन छः से सात लोग इजीली खा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता इसमें बीफ चीज़ व्हाइट सॉस और शीट्स वगैरह होती हैं तो ये ज़्यादा ज्या, से ज़्यादा इसको आठ लोग भी खा सकते हैं वैसे छः से सात लोगों के लिए इनफ़ है और चीज़ मैंने इसमें डाली है चैडर और मजरेला मिक्स जो चैडर चीज़ होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्रीमी हो जाता है और जो मजरेला होती है उससे चीज़ पुल बहुत अच्छा आता है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा औरगैन डाला है और ये मैं इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूँगी ये इस तरह से मैंने की है आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से गार्निशिंग कर सकते हैं ये देखें जी इस तरह मैंने रेडी कर दिया है अब हम इसको बेक करेंगे ये मैंने एक पतीला लिया है बड़े साइज का और उसमें एक स्टैंड रख दिया है यहाँ पे इसको हम प्री हीट कर लेंगे आठ से दस मिनट के लिए और फिर इसके अंदर हम ट्रे रख देंगे अपनी आपने ध्यान से रखना है हाथ भी जल जाता है इसको अब कवर कर देंगे कवर करने के बाद आपने इसको पाँच से सात मिनट के लिए ज़रा थोड़ी सी लो फ्लेम पे पकाना है और फिर आपने आठ मिनट के लिए आग तेज़ रखनी है मीडियम जब ऊपर से इसके ढक्कन से स्टीम जाएगी ना लजानिया के ऊपर तो फिर इसके ऊपर ही इतना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आएगा तो आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने सात से आठ मिनट के लिए इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे पकाना है तो फिर ऐसा ही अगर आप पिज़्ज़ा या कुछ भी बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी ऐसे ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आएगा तो ये देखें जी कितना मज़ेदार ओवन के बगैर पास्ता रेडी हो चुका है सॉरी लजानिया तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है अब मैं आऊँगी अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़